नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेटा ने बताया कि निगम ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन अभी भी नाकामी हाथ लग रही है। यहां तक कि नगर निगम शिमला ने कूड़ा संयंत्र में लगी आग को बुझाने के लिए चंडीगढ़ से पॉकलेन भी मंगवाई है, बावजूद इसके ना तो आग बुझी ना ही जहरीली धुआं थमने का नाम ले रहा है। मेयर ने आधुनिक मशीनें लगाकर आग बुझाने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर को जहरीले धुएं से निजात दिलवाई जा सके। भरियाल कूड़ा संयंत्र में लगी आग से शहर के वातावरण पर भी विपरीत असर पड़ा है। कूड़ा संयंत्र में प्लास्टिक जलने से जहरीली गैस निकल रही है। आपको बता दें कि भरियाल कूड़ा संयंत्र में इस तरह की आगजनी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस कूड़ा संयंत्र में आग लग चुकी है जो कि आसपास की फिजाओं को दूषित कर चुकी है। लापरवाही व आगजनी को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से कूड़ा संयंत्र के संचालक के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई गई थी। कूड़ा संयंत्र में लगने वाली इस आग की वजह से पर्यावरण के साथ साथ नगर निगम की संपत्ति को भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि भरियाल कूड़ा संयंत्र से निजी कंपनी एलिफेंट एनर्जी ने प्रोसेसिंग यूनिट से रोजाना करीब 1.5 से 2 मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा किया था। इस पावर प्लांट पर करीब 40 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए थे। ये दावा किया गया था कि इस संयंत्र से बिजली बनाने के लिए औसतन 70 मीट्रिक टन कूड़े की जरूरत होगी। प्लांट में 100 मीट्रिक टन कूड़े तक से बिजली बनाई जा सकेगी। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां रोजाना 60 से 80 टन का कूड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन अफसोस आज तक इस प्लांट में ना तो बिजली का उत्पादन हुआ है ना ही कचरे का कोई स्थायी समाधान मिल पाया है। अब हालत है कि संयंत्र का जहरीला धुआं शिमला की ठंडी फिजाओं में जहर घोल रहा है। हिमफेड के अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि इस बार मोदी लहर को देखते हुए रामपुर विधानसभा हलके के लोगों ने भी टेस्ट बदल दिया है और लोकसभा चुनावों में भाजपा को भारी बढ़त दिलवाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान देश प्रदेश की सरकारों के काम का ढंग बदल चुका है, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों पर तेजी से नकेल कसी जा रही है। उन्होंने इस बात का खुलासा शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के नरेन में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की स्कूली छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ खेलों का शारीरिक और मानसिक तौर पर होना आवश्यक है, इससे मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि आज के युवा खेलों को व्यवसाय के तौर पर भी अपना रहे हैं, इस क्षेत्र में रोजगार के साथ शोहरत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के छात्र इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाए हैं वे निराश ना हो, अगली बार इससे बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्कूली खेलों के आयोजन से छात्रों में आपसी सामंजस्य के साथ साथ स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि नरेन में हिमफेड के बंद हुए खाद के डिपो को तुरंत खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ऊपरी क्षेत्र के बागवानों की समस्या को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किए जाएंगे ताकि बागवानों को फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की सुविधा मिल सके।
सोलन में शूलनी मेले की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मनोरंजन के साथ साथ अब आपको मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जा रही है। इसके लिए सोलन के ठोडो मैदान में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा मार्गदर्शन बूथ भी स्थापित किया गया। इस बूथ का शुभारंभ एक्टिंग चीफ जस्टिस धर्मचंद चौधरी ने किया। इस बूथ पर गरीब और असहाय लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि सभी को न्याय मिल सके। एक्टिंग चीफ जस्टिस धर्मचंद चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा शूलनी मेले में मार्गदर्शन बूथ आरंभ किया गया है। इस बूथ में लोगों को उनकी कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें न्यायाधीश और पैरालीगल वॉलंटियर गरीब और असहाय लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति धन की कमी के चलते न्याय से वंचित ना रह जाए और उसे कानूनी समस्याओं का समाधान मिल सके।